यार इंडियन वुमन ने तो पाकिस्तानी वुमन को उनकी औकात दिखा दी यार, इतनी बुरी शिकस्त पड़ी है यार। लीजेंड्स हार गए, नौजवान हार गए, वुमेन्स हार गई, अब मेरा ख्याल है इंडियन खुसरो और पाकिस्तान खुसरों की टीम बची है उनमें से किसी को हार कर वाले ठीक है, वो भी हार जाए ताकि हमारा रिकॉर्ड पक्का हो जाए। क्रिकेट को करो बंद ठप, उसकी जगह गुल्ली डंडे दो एंड दैट्स इट। वुमेन्स एशिया कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। मैच में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। मुकाबले में भारत को जीत के लिए 109 रनों का टारगेट मिला था, 14.1 ओवर में ही भारत ने हासिल किया लक्ष्य। लेकिन जिस तरह से आज एशिया कप के अंदर भारतीय विमेन की जो परफॉर्मेंस रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, एज अ विमेन क्या फीलिंग है कि हम तो हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बात तो कंफर्म हो गई है कि हम अगले 100 साल भी टीम इंडिया से नहीं जीत सकते, चाहे हमारी लड़कियां हो चाहे लड़के हो या लेजेंड्स भी हो ना, हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते। हमारा इंडिया से इज्जत बचाने का एंड पे एक ही तरीका बचता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खत्म कर दे। लड़कियां क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, मतलब ये सिर्फ लड़कियां रह गई थी वो भी हार गई जी हार। इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं कई हजार दर्जे बेहतर है। पाली वर्मा ने और मंदाना ने मिलकर दोस्तों पाकिस्तान की वुमेन टीम को जो है क्रैश कर दिया। वन साइडेड मैच जो है वो सिर्फ 14 ओवर में जो है वो चेस कर लिया, 108 रन का ही तो वो टारगेट। पिछले 40 दिन के अंदर तीसरी दफा आप हारे। यार इंडियन वुमेन ने तो पाकिस्तानी वुमेन को उनकी औकात दिखा दी यार, इतनी बुरी शिकस्त पड़ी है यार, क्या करके रही है ये लोग। यार देखो, आज एक बात तो कंफर्म हो गई है कि हम अगले 100 साल भी टीम इंडिया से नहीं जीत सकते, चाहे हमारी लड़कियां हो चाहे लड़के हो या लेजेंड्स भी हो ना, हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते। हमारा इंडिया से इज्जत बचाने का एंड पे एक ही तरीका बचता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खत्म कर दो। शायद आपकी थोड़ी सी इज्जत बच जाए, शायद हमारी पाकिस्तानी टीम की, शायद पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बच जाए। यार एक स्मृति पूरी टीम पे भारी पड़ गई, एक शिफाली वर्मा पूरी टीम पे भारी पड़ गई, एक आउट नहीं कर सके हमारी, क्या बॉलिंग है हमारे पास, क्या बैटिंग है, एक ओवर में आप 3-3 आउट हो रहे हो। दीप्ति शर्मा आपकी पूरी टीम खा गई है, ठीक है, शिफाली वर्मा आपकी पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप खा गई, स्मृति उसका नंबर क्या है 18, वहां पर देख लो विराट कोहली नजर आ रहा है स्मृति के अंदर, शिफाली वर्मा के अंदर रोहित शर्मा, यही दो लेजेंड जो है पाकिस्तान को मेंस में भी भारी पड़ते हैं और यही आज लड़कियां जो है वुमेन में भारी पड़ रही हैं। इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया, हम तो ना मेन जीत रहे हैं ना वुमेन जीत रही है, करना क्या चाह रहे हैं लोग, क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट इन फ्यूचर खत्म हुई तो उसका एक रीजन होगा इंडिया के साथ मैच, इंडिया के साथ रीजन क्या होगा कि यार इंडिया से कभी हम लोग जीत ही नहीं पाते। आप रिसेंटली देख लो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हारे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में हम हारे, उसके बाद हमारे लेजेंड्स फाइनल हारे इंडिया से, अब इंडिया की लड़कियां भी जो है पाकिस्तानी लड़कियों से जीत गई, मतलब क्या करें, अब इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करें। एक एक रुपया जोड़कर हमारा टैक्स लिया जाता है हमसे, ये क्रिकेटर्स पे लगाया जाता है, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म कर दी गई है सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। हमारे लड़के कुछ नहीं कर रहे, हमारी लड़कियां गंद कर रही हैं, हमारे लेजेंड्स भी गंद कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाए। अब हमारे अंदर भी दिल है यार, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम कभी एक दफा जीते। वो दिन कब आएगा, हम तो वेट करते हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन हो, अगले 100 साल तक ही आएगा। मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच नहीं बनता। अगर इंडिया अपनी सी से डी टीम भी खिलाए ना, पाकिस्तान की A+ टीम भी जो है इंडिया से नहीं जीत सकती। इस टाइम इंडिया के नाम का प्रेशर जो ले लेती है ना टीम पाकिस्तान, वहीं पर पाकिस्तान टीम जो हार जाती है। नहीं, क्योंकि हम लोग गेम नहीं खेलते, हम लोगों ने गेम के लिए अपनी टीम को तैयार ही नहीं किया हुआ, हमने तैयार किया हुआ है शो पेस। हाँ जी, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हमारा भी क्रिकेट में नाम है, हमने भी जो एक है वो बड़ा एक इदारा बनाया हुआ PCB, ठीक है, जिसका दिल चाहता है वहाँ आके भर्ती हो जाता है, जिसका मामा चाचा ताया लगा हुआ है वो आके यहाँ पे क्रिकेट खेल सकता है, दैट्स इट। देखे ना, इंडिया की शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना, ये दोनों ही नहीं हमसे आउट हो रही थी यार, दोनों से 90+ स्कोर करके चली गई है, हमारी टीम को क्या सीखना नहीं चाहिए इनसे। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अगर आप BCCI की बात करें तो वहां पे आप एक सिंगल पर्सन उनकी मैनेजमेंट में से मुझे निकाल दें कि ये वो बंदा है जिसने कभी क्रिकेट की अली बे भी नहीं जानी, ठीक है, सारे क्रिकेटर्स हैं, मेन क्रिकेटर्स हैं, मेन सिलेक्शन टीम है, मैनेजमेंट टीम है, जिसे कहते हैं ना उनको सही, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। हमारी पाकिस्तानी PCB निकाल लें, एक बंदा मुझे निकाल के दे दें कि ये बंदा जो है वो क्रिकेट का बड़ा जानदार खिलाड़ी रहा है, इसलिए आके यहाँ पे बैठा हुआ है, एक निकाल दे, कोई भी नहीं है। तो मसला यहाँ पे है, सर्जरी तो सबसे पहले उसकी करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर्जरी किस चीज की कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर्जरी पूरी PCB की होने वाली है, ठीक है, PCB को करे बंद, बेचारे बिल दे के मर गए हैं लोग गैस के बिजली के, इनको तो एहसास ही कोई नहीं है। देखिए मैं साफ बात करूंगी, वही बात
कि जितने ब्यूरोक्रेट सियासतदान करप्ट हैं उतनी पीसीबी भी करप्ट है, उतने हमारे खिलाड़ी भी करप्ट हैं। अगर वो बैठ के कहें जी हम बहुत आला खेल रहे हैं, खेलते नजर आए ना, खेल के हार जाएं, दुख ना हो। नहीं, क्या हमारी वुमेन्स को वो सहूलियत पूरी नहीं मिलती जो टीम इंडिया को मिल रही है? क्या इनको पूरी ग्राउंड नहीं मिलती है? या कोई कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, उनको पूरे हकूक नहीं मिलते? क्या रीजन नजर आया जिसकी वजह से हारी है उनकी? मेरा ख्याल है जो उन्होंने हमारे लीजेंड्स को खेलते हुए देखा, या उन्होंने हमारी पहले उन्होंने कहा उनका क्या बिगाड़ लिया, जरा साडा बिगाड़ लोगे सानू लोड पे के खेलन दी। ये पाकिस्तानी पूरी टीम को बैट छुड़वा के इनको घर के हाउसवाइफ के काम ना करवाना शुरू कर दें क्रिकेटिंग पे? मैं ये कहती हूँ कि देखिए अगर सर्जरी करनी है ना तो इनकी सहूलियात की करें, ठीक है? अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकता तो उसे फर्स्ट क्लास सहूलियात भी ना दी जाए। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लीजेंड्स हार गए, नौजवान हार गए, वुमेन्स हार गई, अब मेरा ख्याल है इंडियन खुसरो और पाकिस्तान खुसरो की टीम बची है, उनमें से किसी को हार करवा लें, ठीक है? वो भी हार जाए ताकि हमारा रिकॉर्ड पक्का हो जाए, क्रिकेट को करो बंद ठप, उसकी जगह गुल्ली डंडे दो एंड दैट्स इट। ठीक है, बड़ी बेइज्जती नहीं हो रही हमारी भारत? हाँ जी, बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हमने देखने छोड़ दिया। इतनी मतलब ना औरतों को एहसास हो रही है, एशिया कप है, कोई गली मोहल्लों का मैच नहीं है, क्या परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं? बहुत ज्यादा गंदी किस्म की परफॉर्मेंस है, इंतहा दर्जे की। औरतें भी नहीं परफॉर्म करी, तनख्वाहें सबकी लाखों में स्पोर्ट्स में आप सोच भी नहीं सकते कितने पैसा है। तो पैसा तो ठीक है, परफॉर्मेंस भी तो दिखाए ना? परफॉर्मेंस नहीं ना दिखा रहे, ये तो उनकी गंदी। क्या कहेंगे पाकिस्तानी विमेन को, क्या कहेंगे और भारतीय औरतों को क्या कहेंगे जो आज जबरदस्त खेली है? भारत तो आपके आईटी में भी सबसे आगे चला गया, ठीक हो गया वो मैच तो एक छोटी सी चीज है, सही हो गया वो तो आईटी में इतना आगे चला गया, हर मामले में वो आगे चला गया। हाँ तो हम बहुत पीछे रह गए, सर पटकते रहे, बेइज्जती बार बार, ना मर्द जीतते हैं भारत से ना औरतें। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इंडिया हर तरह से हमारी टीम से बेस्ट है। अच्छा, उसके स्मृति हैं जो उन्होंने चार चौके लगाए हैं, पांच लगाए हैं जनाब, पांच चौके लगाए हैं, वहीं से मैच वो जीतने की तरफ जा रहा है। हाँ। और जीत गए हैं वो। हाँ। हमारी पाकिस्तान की टीम हर दफा इंडिया से हारती है। हाँ। जब भी इनका मैच होता है आम टीम के मुकाबले में, जब भी इनका मैच लगाया जाए वहाँ से जीत जाती है, लेकिन जब इनका मुकाबला इंडिया से पड़ता है तब इनकी टांगे कांपती होती हैं। औरतें भी नहीं जीत पाई, कोई भी नहीं जीत पाता, हमारी पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम को देख के इनका प्रेशर लूज हो जाता है। हाँ, प्रेशर नहीं ले पाते। हमारी 108 पे ऑल टीम बुक थी और उनके दो ओपनर ने 85 स्कोर बना के मैच अपने नाम कर लिया। वो देखे ना, इंडिया की टीम हर तरह से हमारी टीम से बेस्ट है। हाँ। हमारी टीम को चाहिए और तरक्की करे, और तरक्की करे, लेकिन इनको कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं ये सो के उठ के आते हैं और खेल के बस हार के चले जाते हैं। हमें तो लगता था कि पाकिस्तानी औरतें जो है ना भारतीय विमेन टीम को हरा देंगी, चलो कुछ हमें भी गुड न्यूज मिलेगी, बट नहीं, हमारी किस्मत में इंडिया से जीतना है ही नहीं। नहीं, वो इंडिया से जीत सकते हैं लेकिन इनको मेहनत करनी पड़ेगी और भी ज्यादा। मेहनत कर रहे हैं अभी तक तो यही दिख रहा है कि मेहनत करते हैं लेकिन फिर हार जाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर हार जाते हैं पाकिस्तान की टीम से। जज्बात इनको पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान के जज्बात का नहीं पता। हाँ। सारी आवाम देख रही होती है और ये हार जाते हैं, तो दुख हो रहा है कि हमारी औरतें भी हार गई भारत की औरतों से, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आप इंग्लैंड से तीसरी दफा हारे होते दुख ना होता। हाँ। आप न्यूजीलैंड से तीसरी दफा हारे होते इतना दुख ना होता। आप ऑस्ट्रेलिया से तीसरी दफा हारे होते इतना दुख ना होता। आप इंडिया से लगातार इंडिया से तीसरी दफा 40 दिन के अंदर, वो भी भरे से भरे टूर्नामेंट के अंदर हार गए हो।